नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सब के बीच एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं गाइज इस मोटर के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। बहुत सा फ्रेंड्स का कमेंट रहते हैं कि इसकी मोटर के बारे में फुल जानकारी दीजिए, ताकि हम जो खरीद पाएंगे उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं गाइज। तो गाइज अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो इस मोटर संबंधित हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको सब जानकारी मिल सके। तो ये जो अभी देख रहे हैं गाइज, ये हमारा 3 HP का मोटर है, जो कि गरम गरम फेज पर चलने वाला 312P यानी कि KDS किलोस्कर ग्रुप में ये हमारा मोटर आते हैं, उसी का हम ये खरीदे थे यानी कि 2021 में, और तभी से हमारा ये मोटर अभी तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यही जस्ट हम 1 महीना पहले ये जो अभी आप कंडेंसर देख रहे हैं गाइज, ये जस्ट चेंज किए हैं, जो कंडेंसर देख रहे हैं यही हम चेंज किए हैं, क्योंकि इनसे पहले जो था गाइज कि हमारा ये मोटर जो था कि नहीं चलते थे जिस कारण से, तो फिर ये कंडेंसर हम चेंज किए, तब से लगातार 24 घंटे इसमें चला रहे हैं और अभी तक कोई भी ये बंद नहीं हुआ है, 24 घंटे इसको लगातार चला रहे हैं। देख सकते हैं गाइज, इधर आपको हम दिखा दे तो हमारा ये सिंचाई हो पा रहा है, ये प्लॉट जो कि 2-3 घंटे पहले लगाए हैं और अभी तक में इतना सिंचाई हो पाया, क्योंकि खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं, जैसे कि इसमें मिट्टी जो है पूरा तरह से ये सूख चुका है, इसमें नमी का कोई भी इसमें नमी नहीं है, इसलिए इसको सिंचाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जो देख सकते हैं गाइस, इस मोटर से अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, और इस मोटर की यहाँ पे हम जो बोरवेल से अभी कनेक्ट किए हैं, तो बोरवेल की गहराई की बात करें गाइस, तो हमारा जो ये बोरवेल है यानी कि बोरिंग जो है हमारे इस क्षेत्र में जिसको बोलते हैं, वो 50 फीट अंदर तक गया है, जो PVC पाइप और अंदर में जो जहाँ पे लपेटा जाली लपेटते हैं वो अंदर में जो 25 फीट पे दिया गया है, ताकि हमारा जहाँ से कैसिंग का जो जहाँ पे हमारा जो अंदर पानी को खींचते हैं, जहाँ पे हम हॉल किए हैं वो 25 फीट अंदर डाले हैं, ताकि पानी का जो पानी आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस बोरवेल में। जिस वजह से देख सकते हैं गाइज कि सेक्शन पाइप की बात करें तो ये ड्रूटोंट कंपनी का सेक्शन पाइप है, और सेक्शन पाइप ये हमें 2019 में खरीदे थे, जो कि हमारा दूसरा मोटर था, एक चोरी हो गया मोटर, उसी में ये हमारा सेक्शन पाइप आए हुए थे, जो कि टेक्समो कंपनी का एक्वाटेक्स ग्रुप का हमारा वो मोटर था, उसी समय हम ये सेक्शन पाइप खरीदे थे। जो देख सकते हैं ये 30 फीट का सेक्शन पाइप हम बाय किए थे 3000 के लमसम में, और अभी तक ये जितना थोड़ा थोड़ा कट जाते हैं, कटने का यही कारण होता है गाइस कि ये चक वाल्व इसमें ज़्यादा ख़राब होते हैं, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है। तो अभी हम वाटर लेवल की बात करें गाइज, बहुत सा फ्रेंड का ये कमेंट रहते हैं कि आपके क्षेत्र में वाटर लेवल कितना है और ये मोटर कितना अंदर से पानी खींच सकते हैं, तो आपको हम बता दें कि हम जब से भी चला रहे हैं गाइज, तो हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो से 20 फीट के अंतराल में ही रहते हैं, इससे ज़्यादा कितना भी गर्मी, अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं गाइज, ये हम अभी जो के लास्ट ये सप्ताह चल रहा है गाइज, वो आप जानते हैं कि इस महीने में बहुत ही प्रचंड गर्मी होते हैं, और हमारे क्षेत्र में देख सकते हैं गाइस सभी जगह नमी का कमी हो चुके हैं, तो इसलिए भी यहाँ अभी इतना गर्मी में भी हमारे यहाँ पे 20 फीट के अंतराल में पानी है वाटर लेवल, तो हमारे यहाँ वाटर की बहुत सा यहाँ पे क्षेत्र में कमी नहीं है, जिस वजह से भरपूर मात्रा में वाटर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कि अभी ये मोटर बहुत ही अच्छा तरह से चल रहे हैं, कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस मोटर में जब से बाय किए हैं गाइस। जो देख सकते हैं ये मोटर अभी हम गरम गरम पे चला रहे हैं, जहाँ पे हम देख दिखा देते हैं गाइस कि हमारा जहाँ पे खंबा लगा हुआ है के द्वारा, वहीं से हम कनेक्शन लिए हैं, जो अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, आपको हम वहाँ तक लेकर चलते हैं जहाँ तक हमारी ये मोटर जो पानी दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये लपेटा लगा हुआ है यानी कि ड्रेवी पाइप लगा हुआ है, जिसके कारण हम आपको इसको खुले में पानी ये कितना दे रहा है वो दिखाने में हमारे चैनल पर गाइस अभी तक नहीं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको हम लेके चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं कि ये मोटर कितना पानी दे रहे हैं। सबसे पहले गाइज आपको हम इसकी नंबर दिखा देते हैं, नंबर प्लेट भी आपको हम दिखा देते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको, नंबर प्लेट पूरी डिटेल्स बता देते हैं, जो देख सकते हैं आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। जो देख सकते हैं गाइज इसका वोल्टेज कितना आप इसको चला सकते हैं, ये 240 दिया हुआ रहता है, लेकिन आप इसको 440 वोल्ट पे बेझिझक चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है गाइज। और इसका जो इफिशियंसी दिया गया है वो 50 हर्ज, यानी कि इसमें जो
कैपेसिटर लगते हैं गाइज, वो इस पर डिपेंड करते हैं कि आप इसको जब भी लगाए तो मोटर का इसका डाटा कौन सा ही लगाए और कितना दूर तक पानी देख निकाल के फेंकते हैं वो भी इसमें दिया गया है गाइज। तो आप बेझिझक आप प्लेट पे देख सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो आपको हम वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ पे ये पानी निकाल रहे हैं गाइज, जो देख सकते हैं इसी मोटर के द्वारा हम सब सिंचाई किए हैं। और आपको हम दिखा दें ये मोटर की खासियत, मोटर बहुत ही अच्छा होता है किर्लोस्कर ग्रुप में, चाहे वो 214 ले लीजिए, 213 ले लीजिए या 312 पी भी है, जितने भी तरह का किर्लोस्कर में मोटर आते हैं गाइज वो बहुत ही अच्छा होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं इस मोटर में। और सिंचाई के लिए आपको बहुत ही अच्छा मोटर है गाइज, जिसमें आपको दिखा देते हैं इस इधर हम पूरी तरह से, ये मक्का का खेत है गाइज, जो देख सकते हैं कि जस्ट इसमें मक्का काट के हटाया और इसमें जूट का इसमें बुआई करेंगे। जो देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे हमारा मोटर जो है पानी दे रहे हैं, आपको हम उठा थोड़ा दिखा देते हैं गाइज, देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से पानी दे रहे हैं। तो हमारे चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहने के लिए गाइज बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।